हेलो अगेन। ठीक है, तो हम ये आज अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन मैं फिर से इसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसकी समरी बता दूं, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें अगेन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ओवरऑल तीन डिविजन्स जिसके रिस्पेक्ट में हम बायोडायवर्सिटी को डिफाइन कर रहे थे। फर्स्ट वॉज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, विच मीन्स इस अर्थ सरफेस या इस प्लानट पे रिसाइड करने वाली हर फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिला जुला के एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बनाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट कैटेगरी वॉज नेशनल बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंट्री। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पढ़ा था, यानी हमारी स्पेसिफिकली हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में किस किस फॉर्म्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में लाइफ हो, कहाँ कहाँ वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसका कॉम्बिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट लेक्चर में समझे थे इन नेशनल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देन थर्ड कैटेगरी वॉज लोकल बायोडाइवर्सिटी, जहाँ हमने समझा था लोकल एरिया, कोई भी लोकल स्पेस, चाहे वो एक स्टेट हो चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो स्मॉलेस्ट स्पेस हो, किसी भी एक स्मॉल स्पेस में किन फॉर्म्स में लाइफ रिसाइड करती है, उनकी स्टडी या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना हम लोकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो उसी रिस्पेक्ट में हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा टर्म हमने एक इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ मेगा डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम समझ चुके थे इज़ विद रिस्पेक्ट टू लाइफ, चाहे वो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो एनिमल्स के रिस्पेक्ट में हो। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली जो समझने की कोशिश करेंगे वो होगा विद रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री विच इज़ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस सबसे पहले मैं समझा दूँ क्या है। बायोडाइवर्सिटी हम क्लियरली समझ चुके थे, जब जब हम मेगा डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी ग्रुप ऑफ नेशंस की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन लाइफ, से फॉर एग्जाम्पल आप एलिफेंट्स की कोई स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक मेगा डाइवर्सिटी क्रिएट करोगे। मेगा डाइवर्सिटी इज़ व्हाट, आप कुछ ऐसे नेशंस को कोलैबोरेट करके स्टडी करोगे जहाँ पे एक स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये अब चाहे फिर वो इंडिया में हो चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे फिर वो इजिप्ट में हो, कहीं पे भी हो, हम इन सब एरिया के उस डाइवर्सिटी, उस फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, यानी उस स्पेसिफिक लाइफ के अलग अलग स्पीशीज़ या फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए एक मेगा नेशन बना लेते हैं, मेगा डाइवर्सिटी बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम मेगा डाइवर्सिटी नेशन के नाम से रेफर कर सकते हैं। तो जब जब मैं डेफिनेशन वाइज बताऊं अगर, तो किसी भी मेगा डाइवर्सिटी को एक बेसिकली इट रेफर्स टू एनी वन ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस विच कैन कोलैबोरेट एंड फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज एंड हेल्प इन जजिंग इट्स नेचर, इट्स प्रायोरिटीज़, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें और उस स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बारे में हम जान सकें, ताकि हम अगर वो किसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है तो उनको कैसे रोकें या कैसे सुधारें उसके ऊपर स्टडी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे लार्ज या बड़े टॉपिक को और थोड़ा सा छोटा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, विच इज़ इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। यानी सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में अगर ये चीज़ हम लोग पढ़ने लगे तो कैसे होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स से जो कि हमारे ठीक है, तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे समझेंगे ऑफ इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी। बहुत इजी भाषा में समझाने के लिए मैं आपको ये स्लाइड्स बनाई गई हैं, बहुत ही सिंपल और डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं पॉइंट्स। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए एज अ मेगा डाइवर्सिटी जब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कैटेगरीज पता होनी चाहिए।
से फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जब स्टडी कर रहे होते हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में लाइक करता है। से फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल को स्टडी करना चाह रहे हो तो आपको पता होगा कि मोबाइल एक नॉन लिविंग कैटेगरी में आएगा। देन आप उसकी कैटेगरीज फिर बाइफर्केट करोगे बाय डिवाइडिंग कि वो किस कंपनी को किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, ताकि आप उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर सको। ना उसी तरह से हम लोग जब जब इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे तब तक बेसिकली हम लोग फिर वही चीज़ करेंगे जो हम लोग डिवीजन के तौर पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। पहली कैटेगरीज किस रियल में लाई करता है, यानी बेसिकली किस किंगडम में लाई करता है। तो आपने जो भी जिस फॉर्म ऑफ लाइफ को प्रिडिक्ट पिक किया है टू स्टडी टू अंडरस्टैंड, वो किस बेसिकली किस कैटेगरी में लाई करता है, किस किंगडम में लाई करता है। तो ब्रॉडली हम इस पूरी कैटेगरी को इन इंडिया दो तरह के किंगडम्स में या दो तरह के रेल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पेलाकटिक एंड सेकेंड इज इंडोमालियन, ठीक है। ये दोनों ही बेसिकली ब्रॉड बहुत बड़े लार्ज साइज किंगडम्स हैं जिनके अंदर बहुत वास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ रिसाइड करती है, चाहे फिर अगेन वो एनिमल्स के फॉर्म में हो, इंसेक्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे प्लांट्स के फॉर्म में हो, ठीक है। देन इसके बाद हम इस पूरे किंगडम को फर्दर कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोम्स। व्हाट आर बायोम्स? बायोम्स आर बायोलॉजिकल होम्स, ठीक है। बायोलॉजिकल होम्स नेचुरल होम्स, ठीक है। तो बेसिकली जो आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स में बायोम्स अवेलेबल हैं। इस इन छोटी छोटी कैटेगरीज को मर्ज करके हमने तीन बड़ी कैटेगरीज फॉर्म कर रखी है, विच इज़ पहला आप देख पा रहे हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, सेकेंड इज ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट एंड थर्ड इज सेमी डेजर्ट्स। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो जब हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ा था तो हमने ये तीन और इनके जैसे ही कुछ और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे और इनका मीनिंग समझा था कि इन फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो हम वहाँ स्पेसिफिकली फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, तो हमने स्पेसिफिकली ट्रीज और फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में समझा था। यहाँ पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग लाइफ को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ बायोम्स हैं, ठीक है। इसी कैटेगरी में फर्दर हम ब्रॉडली 10 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन्स को। वॉट आर अगेन वॉट इज बायोजियोग्राफिक रीजन्स? बायो नाम से आप समझ पा रहे होंगे, बायोलॉजिकली और जियोग्राफिकली अपने कंट्री के को डिवाइड करना इस तरह से कि हम लाइफ को ईजिली स्टडी कर सकें। से फॉर एग्जाम्पल बहुत ईजी हो जाता है जब हम कहते हैं हम पहाड़ों को स्टडी करते हैं। पहाड़ों को स्टडी करने का मतलब हम एक वर्चुअल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं ऑलरेडी कि हाँ कुछ हिल्स होंगे, हाँ इस तरह के पेड़ होंगे, हाँ इस तरह के जानवर होंगे और इस तरह का फ्लोरा फौना होगा। तो ये क्या है, ये इस जैसे मैंने इसको ज्योग्राफिकली डिवाइड किया तो मैंने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसको उससे एक्सट्रैक्ट कर ली। इसी तरह से स्टडी को ईजी करने के लिए, अंडरस्टैंड ईजिली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन इसको बायोलॉजिकली और ज्योग्राफिकली अपनी कंट्री को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वो 10 कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। नाम बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ आप पढ़ें ये सारे नाम। इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपको पता होगा, आपने सुने होंगे, जैसे कि हिमालयन रीजन, डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट रीजन, कुछ आइलैंड्स, कोस्टल एरियाज, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्रांस हिमालयंस, ये सारी कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है और उनको स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज थी। अब दिस इज ओवरऑल डिवीजन, ठीक है। इंडिया को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की क्या स्टेट है या किस लेवल पे इंडिया डिसाइड करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रोपोजिशन इंडिया ओन करता है अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो। सेम चीज़ विद रिस्पेक्ट टू कल्टिवेटेड प्लांट्स, अगेन इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द लेवल्स जहाँ पे आप बहुत इजीली स्टडी कर सकते हो कल्टिवेटेड प्लांट्स को थ्रू इंडिया और थ्रू दीज डिविजन्स जो अभी हमने इससे पहले समझे थे, ठीक है। देन अब यहाँ पे कुछ टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं हॉटस्पॉट्स। मैं आगे आने वाली स्लाइड में समझाऊंगी एग्जैक्टली हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ये दो नाम आप देख पा रहे होंगे। हॉटस्पॉट होते क्या है मैं आगे
आने वाली स्लाइड में बताऊंगी, बहुत तब इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा ये कुछ और डिवीजन है जिनको हम लोग वेटलैंड्स के रिस्पेक्ट में भी स्टडी कर सकते हैं। ये मैं चीज़ यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, तो अगर आप फिर से फ्लैशबैक में जाओगे, रिमाइंड करोगे, तो जब हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ा था, हमने तब वहाँ पे इन वेटलैंड्स को भी पढ़ा था, जहाँ पे वेटलैंड इकोसिस्टम्स भी पढ़े हैं हमने। क्या होते हैं वेटलैंड्स? काइंड ऑफ फॉरेस्ट बट हैविंग वेटलैंड्स, कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों, जहाँ बेसिकली फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो, बट वहाँ की लैंड लार्ज वाटर बॉडीज या लार्ज वाटर एरियाज को भी सपोर्ट करती हो। तो पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होते हुए भी, लैंड यानी सरफेस वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होते हुए भी वहाँ फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई करवा देना ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट में ठीक है, तो ये 6 कैटेगरीज है हमारी वेटलैंड्स की। इनमें से बहुत सारी लेक्स आपने सुनी हुई होंगी, चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक, ठीक है, सांबर लेक, लोकतक लेक, बड़े बड़े लेक्स हैं जो लार्ज वाटर सरफेस वाटर के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोरा फौना एंड वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसी रिस्पेक्ट में जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसी रिस्पेक्ट में हम लोग उन रिजर्वियर्स को, उन नेशनल पार्क्स को, उन सेंचुरीज को इंक्लूड करते हैं जो आर्टिफिशियली हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसी रिस्पेक्ट में इंडिया हैज़ 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये 5 नाम, मेरे ख्याल से आपने ये नाम बहुत ईजिली सुने हुए होंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क सुना है सबने, नंदा देवी नेशनल पार्क सुना है, काजीरंगा, मानसवर लाइफ सेंचुरी, ये सारे 5 वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आते हैं, यानी इनका बहुत बड़ा योगदान है मेगा डाइवर्सिटीज़ को क्रिएट और बचाने के लिए, ठीक। अदर देन दिस लास्ट थिंग विच इज़ बायोस्फीयर। जब हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था इनिशियली, तब हमने बायोस्फीयर को समझा था, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि एटमोसफेयर, बायोस्फीयर, एनवायरमेंट, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, तब हमने बायोस्फीयर समझा था। बायोस्फीयर इज़ अ सुपरसेट, यानी जब आप एटमोसफेयर बोलते हो तब बेसिकली आप एक स्मॉलर पोर्शन की बात कर रहे होते हो, जब आप बायोस्फीयर बोल रहे हो तो आप एक लार्जर सर्कल की बात कर रहे होते हो जिसके अंदर एटमोसफेयर भी आ जाता है। तो ये बायोस्फीयर होता क्या है, बेसिकली एक एरिया जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी नेचुरल रिसोर्सेज को एक ही जगह पे रखने के लिए कैपेबल होता है, जो अलग अलग फॉर्म्स में लाइफ, अलग अलग फॉर्म्स में प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इन सब की स्पीशीज़ को प्रिजर्व, कंजर्व करने में हेल्पफुल होता है। तो वी हैव 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये नाम सारे कुछ नाम बहुत सुने हैं, हमारे नियरेस्ट लोकेशन इज़ नंदा देवी, नीलगिरी, सिमिलपाल, कंचनजंगा, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, मानस, सुंदरबंस, ये सारे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर्स हैं जो हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो अभी तक हमने समझा, इसकी समरी हम समझा दें, यहाँ तक के लिए हम समझ पाए कि अगर इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी है तो उसका रीज़न क्या है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि उसको एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन देखा जाना चाहिए। तो आपने बहुत सारी कैटेगरी समझ ली, हमारे पास बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आर्टिफिशियल सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, रिजर्वियर्स, उसके अलावा बायोम्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, और बहुत सारी कैटेगरीज के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन हो सकता है, ठीक है। इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हॉटस्पॉट्स क्या है, मैं आगे समझाऊंगी, उसको समझने का थोड़ा समय आ गया है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहले हम हॉटस्पॉट को समझने की कोशिश करते हैं। हॉटस्पॉट्स क्या है? हॉट एंड स्पॉट्स, व्हाट इज़ हॉट इज़ पॉपुलर, आजकल जो ट्रेंडिंग है, ठीक है। स्पॉट्स इज़ बेसिकली एरिया, राइट। तो हॉटस्पॉट बेसिकली क्या हुआ, वो एरिया जो बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप किसी क्या कहते हैं बेसिकली अगर आप किसी एक
स्पीशीज को, किसी एक प्लांट या किसी एनिमल को स्टडी करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? आप किस एरिया को स्पेसिफिकली पिक करोगे? आप किसको पिक करोगे? आप उसको पिक करोगे या तो जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो, या फिर आप उस एरिया को पिक करोगे जो या तो एंडेंजर्ड हो, जहाँ यहाँ पे स्पीशीज़ कम हो। रीज़न क्या होगा? क्योंकि आप वहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो जज कर पाओगे, और जो एंडेंजर्ड या जहाँ पे स्पीशीज़ की स्कैर्सिटी है वहाँ पे आप क्यों हैं वो प्रॉपर्टीज़ जज कर पाओगे। तो जब हमारे पास अबंडेंस होती है, जब हमारे पास स्कैर्सिटी नहीं होती है, तब हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है, हम उनको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। पर जहाँ पे कमी होती है, जहाँ पे बेसिकली वो रिसोर्सेज नहीं है या वो स्पीशीज़ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे उनको स्टडी करते हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक लोकेशन पिक करनी होती है। तो हम हॉटस्पॉट को क्या कहते हैं? इट इज़ अ स्मॉल एरिया विच इज़ बेसिकली सिग्निफिकेंटली एक्टिव, या फिर इन डेंजर, या फिर अंडर वायलेंस, इज स्पेसिफिकली अ हॉटस्पॉट। एंड व्हेन जब हम लोग बात कर रहे होते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, तो हम विद रिस्पेक्ट टू लाइफ बात कर रहे होते हैं। यानी जब आप किसी भी फॉर्म की लाइफ को पढ़ रहे हो, तो उसके हॉटस्पॉट्स या एंडेंजर्ड या वायलेंट एरियाज क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट्स बनते कैसे हैं या किस एरिया को स्पेसिफिकली आप हॉटस्पॉट कहोगे, ये हम लोग जानते हैं इन दो पॉइंट्स। यानी आप किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट कब कहोगे? जब ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हो। पहली चीज़ क्या है? जब इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। ठीक है, वॉट इज एंडेमिक? एंडेमिक इज अ कंडीशन। ठीक है, बेसिकली ऑफ अ प्लांट और ऑफ एनिमल जो उस नेटिव या उस पर्टिकुलर एरिया, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को बिलोंग करते हैं, वो एंडेमिक्स होते हैं। तो यानी उस एरिया को बिलोंग करने वाली कम से कम 1500 स्पीशीज होनी चाहिए वैस्कुलर प्लांट्स की। नाउ व्हाट इज वैस्कुलर प्लांट? वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? वो उस तरह के प्लांट जिनमें जो आप आमतौर पे देखते हो, जैसे कि आप ट्रीज देखते हो, आप फ्लावर्स देखते हो, आप ग्रासेस देखते हो, ये वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इनके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि खाने को या पानी को अलग अलग एरिया में प्लांट के पहुँचाने में केपेबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली अधिकतर हर प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ जो आप नॉर्मली किसी प्लांट को कंसिडर करते हो वो वैस्कुलर प्लांट हो सकता है। तो ऐसा हर कोई प्लांट जिसमें कुछ रूट्स हों, कुछ जाइलम हो, कुछ लीव्स हो, कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ हो उसकी खुद की, और फूड को ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग लोकेशन में उसको केपेबल हो, उसको वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज अ वैस्कुलर प्लांट, यानी इस कंडीशन का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी कंडीशन जब 1500 से ज़्यादा स्पीशीज़ किसी एक क्लोज रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाती हों, तब आप उस एरिया को हॉटस्पॉट कह सकते हो। ये एक आधी कंडीशन है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन होना ज़रूरी है, विच इज़ इट हैज़ टू हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेटिव हैबिटेट्स। यानी आप क्यों पढ़ोगे व्हाट इज हॉटस्पॉट? जब उसमें कुछ कमी हो, जिसकी कमी को समझने के लिए आप उसको पढ़ो। ठीक है, या फिर उसको सुधारने के लिए आप उसको पढ़ो। तो सेकंड कैटेगरी, वो उतने पेड़ होने के साथ साथ होने के बाद भी वो 70% से ज़्यादा अपना ओरिजिनल नेटिव हैबिटेट खो चुका हो, तब उसको आप एक हॉटस्पॉट कंसिडर करोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन मैच होती है, तो आप एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर चुके हो। ठीक है, तो दिस इमेज आप थोड़ा सा डरी है, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। इस इमेज में आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ अराउंड 25 टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स हैं उनको देख सकते हो। जो भी डार्कर ऑरेंज एरिया आपको दिख रहा है, वो 25 एरियाज हैं जिनको आप हॉटस्पॉट्स कंसिडर कर रहे हो। यानी वहाँ पे फ्लोरा फौना ज़्यादा है, यानी सर्टेन लिमिट तक है, उसके बाद भी वो अपना 70% से ज़्यादा नेटिव हैबिटेट खो चुके हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए अराउंड 25 टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक, अच्छा, ये जो भी आपने 25 हॉटस्पॉट्स देखे, इनमें कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ साइज़ में ज़्यादा होंगे, कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, कहीं नहीं करती होगी। इस रिस्पेक्ट में हमारे पास टॉप 10 हॉटस्पॉट्स हैं जिनको आप
यहाँ पे देख पाओगे, इनमें से सेकंड नंबर आप बहुत ही क्लियरली विजिबल है जो इंडिया के रेफरेंस में हमें पढ़ना है या हमें पता है कि होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स भी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, विच इज़ नियरेस्ट लोकेशन टू श्रीलंका, ठीक है। देन मेडागास्कर इज़ वेरी कॉमन हॉटस्पॉट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंडो बर्मा, ठीक है, मेसोअमेरिका, फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बेसिकली टॉप 10 हॉटस्पॉट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग इनमें से ही जो टॉप 10 आपके हॉटस्पॉट्स हैं इनमें से कुछ हॉटस्पॉट्स को कंसिडर कर पढ़ के देखते हैं कि बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या होता है। तो फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका। तो आप यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होगे जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, इंडिया का कुछ वर्टिकल पोर्शन और श्रीलंका काफ़ी मेजर पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका वेस्टर्न घाट्स में हॉटस्पॉट के अंदर आता है, ठीक है। बेसिकली ज्योग्राफिकली इस एरिया को अगर आप कंसिडर करोगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोस्टल एरिया के पास पाया जाने वाला एरिया है, यानी कि फिजिकल जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अराउंड इतना स्क्वायर किलोमीटर एंड स्ट्रेच फॉर 1600 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू साउथ ट्रिप, ये पूरा इसका फिजिकल कवर एरिया है, ठीक है। देन अबाउट 30 to 50 किलोमीटर का एक इनलैंड है। तो बेसिकली इतना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है यहाँ पे, यानी वो दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा और स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स लगभग उतनी पाई जा रही होंगी, ठीक है। दिस वॉज वेस्टर्न घाट। सेकेंड इज हिमालयन रीजन। अगेन इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास का एरिया जो आप देख पा रहे हो, दिस और बहुत बड़ा एरिया है, ये हिमालयन हॉटस्पॉट के नाम से कंसिडर किया जाता है। इट इज़ बेसिकली होम टू द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन्स, सबको पता है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या क्या लाते हैं, इट इंक्लूड्स एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन, चाहे फिर वो पाकिस्तान के आसपास का एरिया हो, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना या म्यांमार, ये इतना एरिया हम लोग कवर करते हैं हिमालयन हॉटस्पॉट, ठीक है। अच्छा, इस हॉटस्पॉट को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है इन इंडिया वेस्टर्न घाट से ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ आपको इस एरिया से मिलती है, चाहे फिर वो मेजरली बर्ड्स की हो या फिर वाइल्ड एनिमल्स की हो, ठीक है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स दिख पा रहे होंगे, वल्चर्स, टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोस एंड वाइल्ड वाटर बफेलोस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा। अगेन दिस इज थर्ड हॉटस्पॉट जो अगेन इंडिया के रेफरेंस में आता है, ठीक है। ये एरिया आपका कवर कर रहा है म्यांमार का, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना और इंडिया का कुछ पोर्शन, ठीक है। तो अगेन ये भी बहुत बड़ा एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। इसी के जैसा एक मेडागास्कर, मेडागास्कर बेसिकली बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टिल इट इज़ ग्रेजुअली लूजिंग इट्स नेचुरल हैबिटेट और जिसकी वजह से रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होने लगे हैं, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट अराउंड टर्की एंड ईरान, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिकली हॉटस्पॉट्स हैं जो हम लोग मेजरली स्टडी करते हैं। ओवरऑल हम इस पूरे टॉपिक से समझ चुके हैं कि एक मेगा डाइवर्सिटी क्या होती है, यानी जब जब मल्टीपल बायोडाइवर्सिटीज़ अलग अलग एरिया में विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पीशीज स्टडी की जाती हैं तो वो अलग अलग एरिया क्रिएट करती हैं जो ज्योग्राफिकली डिफरेंशिएट हो सकते हैं और वो एक मेगा डाइवर्सिटी बनाती है। एंड इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरियस बायोम्स, रिजर्वियर्स एंड डिफरेंट हॉटस्पॉट्स जो हमने आज पढ़े। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज मेल कर सकते हैं, आई सेंड यू दिस वीडियो as well as PPT. Please go through these topics and let me know. इनसे related एक assignment मैं जल्दी ही इसके next topic के बाद post करूँगी।
थैंक यू।